गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज पवन एंड यू आर वॉचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे इंडिया की सबसे ऊंची मीनार और इसको कहा जाता है फतेह बुर्ज। सो ये बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की याद में बनाई गई एक स्मारक है और 20 एकड़ में फैली हुई ये एक पूरी डेवलपमेंट है। इसके अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की स्मारक है और इसके अलावा जो लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई थी मुगल आर्मी के खिलाफ, इसमें इनके जो 5 कमांडिंग ऑफिसर थे, जो 5 जनरल थे, इनकी भी यहाँ पर स्मारक बनाई गई है। सो ये है भाई फतेह सिंह, सामने की तरफ है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर है भाई आली सिंह, फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर है भाई माली सिंह, आगे की तरफ है भाई बाज सिंह और सबसे लास्ट में है भाई राम सिंह जी। सो राम सिंह जी चीफ कमांडिंग ऑफिसर थे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की आर्मी के। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है, अगर आप फेमिलियर नहीं है इस एरिया से तो आप गूगल मैप्स के थ्रू भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप इस एरिया से फेमिलियर हैं तो ये जगह पड़ती है खरड़ लांडरा हाईवे के ऊपर। सो बिल्कुल ठीक सामने पैरेलल इसके एक हाईवे जा रहा है जिसको खरड़ गन्नौर रोड भी बोलते हैं, अब तो खैर बाबा बंदा सिंह बहादुर रोड उसको नाम दे दिया गया है। और बिल्कुल इस तरफ है सेक्टर 92 और लेफ्ट में है सेक्टर 91 और सामने की तरफ पड़ता है सेक्टर 114। बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर एक हाईवे रोड है जिसको कहते हैं खरड़ लांडरा रोड और इसी रोड पर जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो वहाँ से आप राइट लेते हैं तो फतेहगढ़ गुरुद्वारा साहब या ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा जा सकते हैं। अपनी गाड़ी से अगर आप आते हैं तो गाड़ी या तो आप वहाँ पर पार्क कर सकते हैं बिल्कुल मेन एंट्रेंस के साथ, या फिर यहाँ पर आप सामने मेन रोड पर लगा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, आप देख सकते हैं आसपास ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार थोड़ा सा पैसा अगर सड़कों के निर्माण पे भी और रखरखाव पे खर्च करे तो यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। सो 2011 में इसको पंजाब सरकार द्वारा बनाया गया था। सो कुल लागत आई थी इसकी 11 करोड़ और ये थोड़ी सी हिस्ट्री है जो बैटल ऑफ छप्पन छेरी के बारे में बताया गया है, इंग्लिश और पंजाबी दोनों में है। सो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप यहाँ से पूरा जो इसका अनुवाद है वो कर सकते हैं। जो बैटल ऑफ छप्पन छेरी है उसके बारे में कुछ बताया गया है। सो ये पहली बार था जब बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलते हैं। तो जैसे ही आप गुंबद से बाहर आते हैं और मेन एंट्रेंस से अंदर आते हैं तो ये आपको सामने अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। सो ये है इंडिया की सबसे ऊंची मीनार फतेह बुर्ज, आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा है, आसपास कोई भी नहीं है। और एक अच्छी बात, जब भी आप इस तरह की लोकेशन को कवर करने के लिए आते हैं, ख़ासतौर से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है, आप हमेशा अपनी पिक्चर के लिए उम्मीद करते हैं कि आसपास कोई ना हो और आपको एक क्लियर व्यू मिल जाए। अभी तो मैंने इसका 1% भी एक्सप्लोर नहीं करा है, बहुत बड़ी जगह है इसीलिए 4 बजे यहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है बिकॉज 5 बजे ये जगह क्लोज़ हो जाती है। जो लोग पंजाब से हैं और एमी विर्क के फ़ैन हैं, सामने की तरफ ये जो आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड ईडन कोर्ट एंड एमरल्ड कोर्ट। सो इसके अंदर पंजाब के बहुत सारे नामी ग्रामी सितारे हैं जिनका घर है, सो एमी विर्क, मैंडी ठाकर और बहुत सारे ऐसे सितारे हैं। आई कवर्ड इट ऑन माई अदर चैनल, सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी हाउ दिस सोसाइटी लुक्स फ्रॉम इनसाइड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो ये फतेह बुर्ज के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। सो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी जनवरी 2011 में और रिकॉर्ड टाइम था 11 महीने के अंदर ये पूरी जो इमारत है इसको पंजाब सरकार ने बना दिया था। सो अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, 3 मंजिल में ये डिवाइडेड है पूरी जो ब्रिज है, तो इसके अंदर लिफ्ट भी है, लिफ्ट का फ़िलहाल मेरे ख्याल से अभी काम चल ही रहा है। सो लिफ्ट का अभी शायद काम पूरा हुआ नहीं है। सो ये इस तरह से यहाँ से लिफ्ट में एंट्री रहेगी और मेरे ख्याल से ऊपर तक आप जा सकेंगे इसको देखने के लिए। सो 328 फुट इसकी हाइट है, मीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 100 मीटर आ जाता है।
गाइस इस समय आप जो मीनार देख रहे हैं ये इंडिया की सबसे ऊंची मीनार है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कुतुब मीनार सबसे ऊंचा है, नहीं ऐसा नहीं है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 100 मीटर, अगर इसको फुट में कन्वर्ट करें तो 328 फुट आता है। बाकी अगर आपने ताजमहल और कुतुब मीनार देखा है तो उनकी ऊंचाई है 74 मीटर। जो लोग दिल्ली से हैं, अगर आप दिल्ली में आपने लोटस टेम्पल देखा है तो उसकी ऊंचाई है 15 मीटर। सो ये तो है इसके बारे में थोड़ा सा गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन बहुत ही शांत है, आसपास गार्डन भी है, ग्रीनरी भी है, इसके अलावा यहाँ पर एक झील भी है। सो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखी है, एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे लोकेशन बन सकती है। आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही खाली है जगह। यहाँ पर जब भी कोई इवेंट होती है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उस टाइम पे यहाँ पर लेज़र शोज़ भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। सो आसपास जो लोग हैं वो तो इस चीज़ से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज कोई लेज़र शो नहीं है, अदरवाइज़ मैं रुकता और आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करता। So this is the ultimate view that you actually get from Fateh Burj. So सामने की तरफ है इसका main entry और exit point, और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही amazing view है। Gardens fully maintained है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वाला जो section है ये पूरा खाली है, because जितनी भी यहाँ पर monuments हैं वो बिल्कुल left hand side पे हैं। So ये है पूरा नज़ारा जो आपको यहाँ से पूरा देखने को मिलता है। सामने की तरफ एक आर्टिफिशियल झील भी है जिसको मेंटेन किया जा रहा है, और सामने की तरफ है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की स्मारक और इनके 5 जनरल। सो मेरे ख्याल से एक और ट्रिप और लगेगी फ्यूचर में, जब भी इसका लिफ्ट का काम चालू हो जाएगा। सो यहाँ पर 2 लिफ्ट्स लग रही हैं, बिकॉज 3 फ्लोर्स हैं जिनको एक्सेस किया जा सकेगा फ्यूचर में। यहाँ तक पहुँचने में मुझे 3 अटैम्प्ट लगे, 3 अटैम्प्ट इसलिए बिकॉज जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो लॉकडाउन की वजह से ये जगह बंद थी। दूसरी बार जब मैं आया तो ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे, तो 4 बजे ये एंट्री बंद कर देते हैं बिकॉज काफ़ी बड़ी जगह है, और 5 बजे एग्ज़िट हो जाता है। सो 1 घंटे में उन्होंने मुझे बोल दिया आप नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे, फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले जाओ। तो आई थॉट लेट्स टेक अनदर डे, और आज फाइनली मौका मिला है। यहाँ पर आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, वैसे तो ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन जब भी मान लीजिए आपको ऐसी कोई जगह जहाँ पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो और सारी चीज़ें इतनी खाली मिल जाए, इससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हैं। सो यहाँ पर आने का एक बेनिफिट सबसे बड़ा यही हुआ कि बेशक 3 अटैम्प्ट लगे, लेकिन आज जब मौका मिला तो आप देख सकते हैं आसपास कोई भी नहीं है और सारी चीज़ें तसल्ली से कवर करी हैं। सो इस जगह को बोला जाता है छप्पन चिरी, ये पूरे गाँव का नाम है। सो यहाँ पर एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की आर्मी और मुगल आर्मी के बीच। सो ऑब्वियसली जिसके अंदर जीत जो हासिल हुई थी वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को हुई थी। वो लड़ाई क्यों लड़ी गई थी अगर वो आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए 2 मूवीज़ लग जाएंगी, इतनी बड़ी हिस्ट्री है। सो एक्चुअली में हिस्ट्री तो और बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन आपको अगर सिख कल्चर के बारे में और सिख इतिहास के बारे में जानना है तो आप वो मूवीज़ ज़रूर देखिए, उसके अंदर आपको बेसिकली पूरा जो सारांश है वो पता लग जाएगा। रिक्वेस्ट यू गाइज टू वॉच 4 साहिबजादे Part 1 and Part 2। सो उसके अंदर आपको पूरा जो इतिहास है वो समझ आ जाएगा। सो उस टाइम की बात है जब गुरु गोबिंद सिंह जी को अनंतपुर साहब छोड़ना पड़ा था, तो उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। सो बारिश की वजह से जब वो नदी पार कर रहे थे तो नदी का जो बहाव था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, और उस दिन उनकी पूरी जो फैमिली है वो अलग अलग हो गई थी। सो इस दौरान उनके घर का ही जो नौकर था गंगू, उसने माता गुजरी जी को और छोटे साहिबजादों को पकड़वा दिया था। सो माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को जब पकड़ लिया वज़ीर खान ने, तो उसके बाद छोटे साहिबजादों को उन्होंने चिनवा दिया था। और जब इसके बारे में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को पता लगा तो उन्होंने अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ पर चढ़ाई कर दी थी, और उसके बाद वज़ीर खान को मारा था और पूरे इस सरहद पर कब्ज़ा कर लिया था। सो यहाँ से पूरा जो खालसा राज्य है वो स्थापित होता है।
बिकॉज ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। अभी तो आसपास आप देख सकते हैं, आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा खाली है, और इनफैक्ट यहाँ पर लो राइज डेवलपमेंट ही है सारी, तो इसकी वजह से आपको ये टोटली अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। सो वीकेंड पर या फिर अगर मान लीजिए कभी आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं, तो आप उन्हें पूरे पंजाब का कल्चर और हिस्ट्री भी समझा सकते हैं, प्लस अपना एक क्वालिटी टाइम भी यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। ग्रीन और ब्लू, सो यहाँ पर वेदर इतना ज़्यादा क्लियर रहता है कि आप एक्चुअली में कह सकते हैं स्काई इज़ ब्लू एंड ग्रास इज़ ग्रीन। पूरी जो जगह है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। सो यहाँ पर 5 जनरल हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के। सो बिल्कुल ठीक सामने हैं भाई राम सिंह जी, और यहीं से थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर है भाई बाज सिंह। सो ये भाई बाज सिंह जी के भी भाई थे। सामने की तरफ हैं भाई आली सिंह, और उधर है भाई माली सिंह। ठीक सामने हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, और इनके जस्ट पीछे ही हैं भाई फतेह सिंह। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ही आसान लोकेशन है, आप GPS पे फतेह बुर्ज डालिए और यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। अगर आप ओला या ऊबर से आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ से जब आप जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 या 15 मिनट पहले ही ऊबर या ओला रिक्वेस्ट कर दीजिए, बिकॉज आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पर आप कभी वीकेंड पर अपने बच्चों के साथ आते हैं तो बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। लेक भी है, बैठने के लिए बेंचेस भी है, चलने के लिए पाथवे भी है, और पिकनिक के लिए ग्रास भी है। सो बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, आपको यहाँ से देखकर समझ भी आ रहा होगा। वेल मेंटेन्ड है, पंजाब सरकार अगर यहाँ पर थोड़ा सा सड़क पे और प्रमोशन पे ध्यान दे तो ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकती है। सो अभी तक तो पंजाब में सिर्फ विरासत ए खालसा ही है जो एक फेमस डेस्टिनेशन है, बहुत सारे सैलानी वहाँ पर आते हैं, ख़ास तौर से बाहर से भी लोग आते हैं, बट ये एक ऐसी जगह है जो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। बेशक थोड़ा सा आउटस्कर्ट में पड़ता है, लेकिन अगर सड़क की कनेक्टिविटी सुधार दी जाए तो यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। इंडिया की शान की बात है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बिकॉज एक रिच कल्चर है, भाईचारा और सभ्याचार सारी चीज़ें इस कल्चर के अंदर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बहुत सारे थम्स दिखने चाहिए वीडियो के ऊपर, और अगर आप इस जगह के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए होगा गाइस, नीचे एक रेड कलर का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिए और